लेट ए एम सी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट ए प्लस एम प्लस सी इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एम प्लस एम मल्टीप्लाई बाय सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए। तो हमको ये बताना है, तो देखते इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू बतानी थी, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, ए प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सी प्लस वन माइनस ए प्लस एम प्लस सी माइनस वन। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस एम प्लस सी, एक तो वो टर्म आएगी, एक तो वो इससे कैंसिल हो जाएगी, और एक जो लास्ट वाली वन 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 का मल्टीप्लिकेशन आएगा जो कि माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा बच्चेगी जो टर्म वो ये है जो सेम है इसके जैसे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात ये है कहने का मतलब। अब आपको जो ए प्लस एम प्लस सी की वैल्यू है वो 10 दे रखी है, तो ये -11 हो जाएगा, ये सिंपल है। और ये आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, तो यहाँ पर ए प्लस वन को पी मान लिया, एम प्लस वन को क्यू मान लिया, एंड सी प्लस वन को आर मान लिया, तो पी क्यू आर आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो इनका सम है ए प्लस वन प्लस एम प्लस वन प्लस सी प्लस वन, तो वो कितना हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस सी प्लस थ्री, और इसकी वैल्यू 10 दे ही रखी है, देन 10 प्लस 3 इज 13। तो जो पी क्यू आर, पी इसको माना है, क्यू इसको माना है, आर इसको माना है, और इसका सम है जो 13 है, इनका सम कांस्टेंट है, और हमको जो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। अगर इन तीन नंबर का सम कांस्टेंट है, उनकी प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आपको सिंपल एनालिसिस से पता चल जाएगा कि दो वैल्यू तो 4 होनी चाहिए और एक 5 होनी चाहिए, तभी जाके अगर इनका सम 13 है तो इनके प्रोडक्ट के मैक्सिमम होने के लिए 2 वैल्यूज 4 होनी चाहिए और एक 5 होनी चाहिए। तो अब आप करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80, एंड 80 में से 11 गए तो 69 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी गेन कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, हमने पता लगाया कि ये जो तीन नंबर है इनका जो सम है वो 13 कॉन्स्टेंट है, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब दो नंबर 4 होंगे और एक 5 होगा। तो फिर सिंपल हमने यहाँ से पता लगा लिया।